हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज गाइज मैं आप लोगों के साथ जो बातें करने वाली हूँ वो है गाइज टॉप मोस्ट 5 प्रोडक्ट्स फॉर बेबीज़ विंटर स्किन केयर रूटीन। आपके जो बेबीज़ हैं या आपके जो किड्स हैं उनकी स्किन के लिए 5 टॉप मोस्ट प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो कि बेस्ट हैं, जो कि मैं अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूँ, वो सारी बातें आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं गाइज़, ये विंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोडक्ट्स हैं, ये हर मदर के पास में ज़रूर होने चाहिए। और सारे ही प्रोडक्ट्स इस तरीके के हैं जो कि बेबीज़ की स्किन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रख कर के बनाए हुए हैं और बेस्ट हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गाइज़, तो विंटर्स हैं तो इस टाइम पर आप लोगों के लिए कोई भी वाइप्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको वाइप्स ज़रूर से अपने पास में रखने हैं, और अगर उसमें आप मिल्क वाइप्स का यूज़ करते हैं तो वो अल्टीमेटली बेस्ट है गाइज। विंटर्स हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा हमें क्लीन कराना होता है, चाहे वो आपके न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, चाहे आपके टॉडलर्स हैं या आपके किड्स हैं। क्योंकि अगर आपके न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं तो डेफिनेटली जब भी आपको बेबी को फीड कराना होता है, उसका मुंह क्लीन कराना होता है। विंटर्स हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो कि हमारी बेबीज़ की स्किन को ड्राई करे। तो ये जो गाइज वाइप्स हैं मेरे पास में, ये हैं बेबी हक के डेली मॉइस्चराइजिंग मिल्क वाइप्स। तो ये आपके बेबीज़ के फेस को भी क्लीन करने के काम आते हैं। आपके छोटे बच्चे हैं, विंटर्स में हर टाइम आप उनके हैंड वॉश नहीं करा सकते हैं, तो आपको उनके हैंड्स क्लीन करने के भी काम आता है। साथ ही साथ डायपर बेबीज़ को जब भी आप पहनाते हैं, हमेशा अच्छे से क्लीन करके पहनाइए। तो उसके लिए भी आपको इस टाइम पर जो वाइप्स का यूज़ करना है, समर्स में जो हम यूज़ करते हैं ऑलवेज गाइज इस तरीके के करते हैं, जो कि होते हैं 98% वाटर वाइप्स, की पानी वाले वाइप्स होने चाहिए। बट जब आप विंटर में यूज़ करेंगे गाइज, तो बिल्कुल भी पानी वाले वाइप्स जो है ना वो नहीं यूज़ करने हैं हमें, क्योंकि वो हमारे बेबीज़ की स्किन को ड्राई कर देंगे। और हमारी स्किन विंटर्स में इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है गाइज, तो बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है। तो हमेशा इस तरीके के प्रोडक्ट्स लेने हैं जो कि उनको बिल्कुल भी ड्राइनेस ना दें। तो ये है मेरे पास में मिल्क वाइप्स का पैक, 72 वाइप्स का पैक है इसमें गाइज। ये प्लांट बेस्ड फाइबर का यूज़ हुआ है, एनरिच्ड विद मिल्क प्रोटीन, एलोवेरा, विटामिन ई एंड सेसमे ऑयल। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे वाइप्स हैं गाइज। इसमें मिल्क प्रोटीन भी है, एलोवेरा भी है, विटामिन ई जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, साथ ही इसमें सेसमे ऑयल है जो कि हमारी बेबीज़ की स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देता है। पैक की अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं इस तरीके से फ्लिप वाला पैक है, ताकि जो आपके वाइप्स हैं वो बिल्कुल भी ड्राई ना हो। साथ ही साथ जब भी आप बेबीज़ के लिए प्रोडक्ट्स चूज़ करेंगे, उनका पैराबेन फ्री एंड अल्कोहल फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें किसी भी तरीके का अल्कोहल का यूज़ नहीं हुआ है, पैराबेंस का यूज़ नहीं हुआ है, साथ ही डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। मॉइस्चराइजेशन जेंटल एंड इफेक्टिव है। इसमें ग्लिसरीन का यूज़ हुआ है, पीएच को बैलेंस करके रखती है बेबीज़ की स्किन के। अगर मैं आपको वाइप दिखाऊं गाइज, तो ये आप देख सकते हैं गाइज, काफ़ी बड़ा वाइप है ये, इस तरीके का वाइप है। और ये टोटली कुछ क्लोथ मटेरियल है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर प्लांट वेस्ड फाइबर है। तो ये वो वाला मटेरियल नहीं है जो नॉर्मल वाटर वाइप्स वाले आप लेंगे, वो बहुत लाइट होते हैं, बहुत पतले से होते हैं। ये वाला जो वाइप है गाइज, ये एक ही वाइप बहुत अच्छे से आपके बेबीज के हैंड्स को भी क्लीन करेगा, फेस को बहुत अच्छे से क्लीन भी करेगा, मॉइस्चराइज भी करेगा, बिल्कुल भी ड्राइनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा। क्योंकि ये होता है बच्चों को, जब हम लोग वाइप से क्लीन करते हैं तो एकदम से ही होता है कि आपको कोई ना कोई लोशन वगैरह अप्लाई करना होगा, नहीं तो विंटर्स में आप देखेंगे बच्चों के चीक्स जो हैं वो बिल्कुल रेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों के गाल फट जाते हैं गाइज। तो उनको अल्टीमेट मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत होती है। तो ये छोटी छोटी सी हम टिप्स लेकर के ही अपने बेबीज़ की स्किन को जो है मॉइस्चराइज रख सकते हैं, ड्राई बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते। तो ये जो वाइप है गाइज, ये बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं देता है, बहुत अच्छे से आपकी बेबीज़ की स्किन को क्लीन भी करेगा और मॉइस्चराइज भी करेगा। जब भी आप बेबी को डायपर पहनाएं, अच्छे से इससे जो है क्लीन करके बेबी के डायपर एरिया को, उसके बाद ही आप डायपर पहनाइए, बच्चे की जो स्किन है वो कभी भी अब ड्राई नहीं होगी। और साथ ही साथ इससे हम अपने बेबीज़ के फेस को भी क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि विंटर्स हैं गाइस, पानी का यूज़ इतना ज़्यादा हमें अपने बेबीज़ के साथ में नहीं करना है। दैट्स वाई कि इस तरीके के मिल्क वाइप्स का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेस्ट मिल्क वाइप्स हैं जो कि आप अपने बेबीज़ के लिए विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ गाइस सोप की, तो विंटर्स में आपको जब भी अपने बेबी को नहलाना है तो हमेशा इस तरीके का सोप लेना है जो कि बेस्ट हो। हिमालय इंडिया का बेस्ट ब्रांड है, इसके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल पैराबेन फ्री होते हैं, एनिमल फैट नहीं है, किसी भी तरीके का सिंथेटिक कलर इसमें यूज़ नहीं किया गया है। इसमें है गाइज एलोवेरा, ऑलिव ऑयल एंड मिल्क, जो कि आपकी बेबीज़ की स्किन को अल्टीमेट सॉफ्टनेस देता है, अच्छे से क्लीन करता है एंड मॉइस्चराइज भी करता है।
आइडियल फॉर यूज इन विंटर्स आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की बार है गाइज, आप देख सकते हैं बहुत क्यूट सी बार है, किड्स तो इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। साथ ही गाइज आप देख सकते हैं क्लिनिकली टेस्टेड है, आइडियल यूज इन विंटर्स, तो बेस्ट सोप है गाइज ये विंटर्स के लिए। इसके प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हैं 75 ग्राम्स की बार है इन जस्ट रुपीज 55। साथ ही साथ बेबी हग का भी प्राइस मैं आप लोगों को बता दूं गाइज, ये भी 195 रुपीज का है। तो यहाँ पर मैं जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को शेयर कर रही हूँ गाइज आप लोगों के साथ में रिव्यू, वो सारे ही अंडर रुपीज 200 हैं, तो काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है। एज आप देख सकते हैं जब भी आप बेबी केयर प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं तो उनकी प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेस्ट क्वालिटी के भी हैं और प्राइस वाइज भी बेस्ट हैं। तो ये जो सोप है गाइज जेंटल है, सेफ है, रिसर्च्ड है, तो इसे आप अपने बेबीज के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट बातें करने वाली हूँ वो है गाइज सेबामेड क्रीम एक्स्ट्रा सॉफ्ट। तो आपको जो अपने बेबीज को नहलाने के बाद में जिस क्रीम का यूज़ करना है उसके लिए, तो वो है गाइज सेबामेड की। सेबामेड बेस्ट ब्रांड है, इसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं गाइज बेस्ट हैं। अगर आपको अपने लिए भी कोई फेस क्रीम ट्राई करनी है तो एक बार ही सेबामेड की ज़रूर मंगा करके देखिएगा, अल्टीमेट मॉइस्चराइजेशन देती हैं ये क्रीम्स। तो ये जो क्रीम है ये मैं अपने बेबीज के लिए और अपने लिए दोनों के लिए यूज़ करती हूँ या गाइज। तो ये जो क्रीम है फॉर डेलिकेट स्किन है, आपकी स्किन डेलिकेट है तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो ये बच्चों की डेलिकेट स्किन के लिए गाइज बेस्ट है। क्लिनिकली पीएच जो है बच्चों का 5.5 उसको मेंटेन रखती है, ये टेस्टेड है। साथ ही साथ गाइज मेंटेन्स द मॉइस्चर ऑफ स्किन, आपकी जो बेबीज की स्किन है उसके मॉइस्चर को मेंटेन करती है। रिच नेचुरल लिपिड फार्मूला, साथ ही साथ इसमें है गाइज जोजोबा ऑयल हेल्प टू सूद द स्किन, बच्चों की बेबीज की जो स्किन है उसको सूद करता है, जोजोबा ऑयल है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही साथ पैंथेनॉल इसमें वाइटामिन का यूज़ हुआ है जो कि बेबीज की स्किन को अल्ट्रा सॉफ्ट बनाती है, मॉइस्चराइज करती है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 50 ml की ये ट्यूब है जिसको कि मैंने अमेजोन से परचेज किया है गाइज इन जस्ट रुपीज़ 200। तो ये 200 रुपीज़ में आपको अमेजोन पर मिल जाएगी। इस क्रीम के फॉर्मुलेशन की अगर मैं बात करूँ, अल्ट्रा स्मूथ फार्मूला है, बहुत अच्छे से आपकी बेबीज की स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। ये 24 आवर्स का गाइज मॉइस्चराइजेशन देती है। अगर आप बार बार अपने बेबी के फेस को क्लीन नहीं करेंगे तो उसके अलावा गाइज आपको नहाने के अलावा एक बार यूज़ करने के अलावा दोबारा नहीं करना पड़ता है। बट क्योंकि हम अपने बेबीज को फीड वगैरह कराते हैं तो नोज़ के आसपास के एरिया पर आप इसको रीअप्लाई ज़रूर से कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको 2 times तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, एक मॉर्निंग में जब आप उसको बात दिलवाएंगे उसके बाद में, एंड नाइट केयर रूटीन जो होता है बच्चों का उसमें ज़रूर इसे अप्लाई कीजिए। बच्चों के जो चीक्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, सॉफ्ट बनाती है, सपल बनाती है। टेक्स्चर की अगर मैं बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं वाइट कलर की थिक क्रीम है गाइज, किसी भी तरीके का कलर का यूज़ इसमें नहीं है। इसकी स्मेल की अगर मैं बात करूं बहुत लाइट सी, बहुत सूदिंग सी फ्रेग्रेंस है जो कि बच्चों के लिए बेस्ट होती है। तो अप्लाई करते ही गाइज इजीली आपके बेबीज की स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगी और बहुत अच्छे से आपके बेबीज को अच्छा वाला एक मॉइस्चराइजेशन देगी। साथ ही साथ बच्चों की जो स्किन है उसे ग्लोइंग भी बनाती है, क्योंकि विंटर्स में यही होता है कि जो हमारे बेबीज की स्किन है गाइज वो इतने ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें, ऑयल हुआ, क्योंकि मसाज भी करनी ज़रूरी है, साथ ही साथ में सन एक्सपोजर भी होता है कि बच्चों को धूप दिलानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से बच्चों का जो स्किन टोन है वो डल हो जाता है। तो यही रहता है कि विंटर्स में बच्चों का स्किन टोन डल हो जाता है, तो ये क्रीम आप यूज़ करेंगे गाइज आपके बेबीज़ का जो स्किन टोन है वो भी इम्प्रूव होता है, डल नहीं होता है, डे बाई डे आपकी बेबीज़ की स्किन सॉफ्ट भी होगी एंड ग्लोइंग भी होगी। अब बात करते हैं हम गाइज बेबीज़ की मसाज की। बच्चों को चाहे समर्स हैं चाहे विंटर्स हैं मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन अगर जब बात आ जाती है विंटर्स की तो ये गाइज बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। आपको डेली आपके बच्चों को मसाज, आपके चाहे छोटे बच्चे हैं 3 months से ऊपर के बच्चे को, सभी को मसाज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। मसाज ना सिर्फ हमारे बेबीज़ की स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाती है बल्कि उनकी हेल्दी ग्रोइंग बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो हमारे बच्चों की बोन्स हैं, जो हमारे बच्चों की मसल्स हैं उनको स्ट्रांग बनाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आप ऑयल्स चूज़ करें वो बेस्ट ऑयल होना चाहिए। तो समर्स में गाइज आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बट विंटर्स के लिए जो ऑयल हमें यूज़ करना है वो है गाइज सेसमे ऑयल, मीन्स तिल का तेल। सभी ने तिल का तेल ज़रूर देखा होगा, बट तिल का तेल जो हमें लेना है गाइज वो हमेशा हमें लेना है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। तो ये 100% प्योर होते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, जिनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स। तो इनकी जो क्वालिटी होती है गाइज वो बेस्ट होती है, क्योंकि ये किसी भी प्रोसेस से नहीं गुजरते हैं, किसी मशीन से नहीं बने होते हैं, दैट्स वाई कि इनकी जो क्वालिटी है वो 100% मेंटेन रहती है। तो इनसे गाइज आपको आपके बेबीज़ की मसाज करनी है तो ये जो होता है गाइज तिल का तेल, ये थोड़ा गर्म तासीर का होता है
जिसकी वजह से ये आपकी बेबीज़ की स्किन में ना वॉर्म्थ बनाकर रखता है। तो जब आप इससे मसाज करेंगे आपकी बेबीज़ की बोन्स को स्ट्रांग बनाएगा। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो ये बच्चों की बोन्स को भी स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि पेनिट्रेट करके गाइस बच्चों की स्किन को आपकी बोन्स तक जाएगा, बच्चों की स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, उनकी बोन्स को स्ट्रांग बनाएगा, उनकी मसल्स को स्ट्रांग बनाएगा। चलते हुए बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उनके पैरों की इतने अच्छे से मालिश की जाए। तो ये तेल गाइस बेस्ट है फॉर विंटर्स। 200 रुपीज़ की ये बॉटल है, इसको मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया है। आप कोई भी ब्रांड ले लीजिएगा, वहाँ पे मैं किसी एक ब्रांड को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट लीजिएगा गाइस हमेशा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स को। तो इससे गाइस आपके बेबीज़ की जो स्किन है वो सॉफ्ट एंड सपल भी होगी, साथ ही साथ ग्लोइंग भी होगी, क्योंकि ये जो ऑयल है गाइस ये बच्चों की स्किन टोन को भी डल नहीं होने देता है, ये आपके बेबीज़ की स्किन को भी ग्लोइंग बनाता है। तो बेस्ट मसाज ऑयल है ये विंटर्स के लिए। अब जो गाइज मैं लास्ट प्रोडक्ट अपना मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ वो है बिफोर नैपी क्रीम। विंटर्स हैं, सभी लोगों को बच्चों को थोड़े जो डाइपर्स हैं वो एक्स्ट्रा पहनाने पड़ेंगे इस टाइम पर, क्योंकि समर्स वो विंटर्स में गाइज हम लोग अपने बच्चों को हमेशा पूरे कपड़े पहना करके रखते हैं, और इस टाइम पर अगर आप ज़्यादा डाइपर्स पहनाते हो डेफिनेटली बच्चों को कहीं ना कहीं रैशेज हो जाते हैं। और बहुत बार होता है कि आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, बच्चा थोड़ी देर भी पॉटी में अगर रह जाता है डाइपर में उसने की है, अगर आपने 10 मिनट तक वो नहीं देखी तो डेफिनेटली बच्चों को रैश हो जाते हैं। तो उसके लिए गाइज ये बेस्ट क्रीम है। आप कोई भी क्रीम ट्राई करके देखिएगा, उसके बाद एक बार इस क्रीम को परचेज कीजिएगा, मेरी अब तक की बेस्ट क्रीम है गाइज ये बिफोर नैपी क्रीम। 75 ग्राम्स का ये ट्यूब है मेरे पास में, जिसका की प्राइस है 200 रुपीज़। तो ये 200 रुपये की आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, इजीली मेडिकल शॉप पर भी ये मिल जाएगी, क्यूरोशियो की है ये। तो ये जो क्रीम है गाइज ये बहुत थिक क्रीम है, एक पेस्ट टाइप की क्रीम है जिसको कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। तो ये अप्लाई करते ही बेबीज़ की रैशेज को 24 आवर्स में हील कर देती है गाइज, ये बहुत हद तक बच्चे को आराम आ जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जब बच्चे को रैश होते हैं कई बार बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले भी रैशेज बच्चों को हो जाते हैं, कि बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं दोबारा डाइपर पहनाना उन्हें मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए गाइज आप इस क्रीम को ट्राई कर सकते हैं, एक पेस्ट टाइप में बन जाती है और उस जगह पर यूरिन बिल्कुल भी जब आप बच्चा करेगा तो बिल्कुल भी असर नहीं करता है उस स्किन पर। ये आप देख सकते हैं गाइज इस टाइप की ये बहुत थिक सी क्रीम है, बहुत जल्दी आपके बेबीज के रैशेज को हील करेगी। इसके अलावा जब भी आप बेबीज को डायपर पहनाएं उससे पहले आप इसका बहुत हल्की सी पतली सी लेयर लगती है आप अप्लाई कर दीजिए, बच्चों को डायपर कभी भी नहीं होंगे। तो ये बेस्ट 5 प्रोडक्ट्स हैं गाइज जो बच्चों की विंटर स्किन केयर रूटीन को ध्यान में रख के मैंने यूज़ किए हैं, और मैं आज आप लोगों के साथ भी इन्हें शेयर कर रही हूँ गाइज इनका रिव्यू। तो आप भी इन प्रोडक्ट्स को अपने बेबीज़ के लिए ज़रूर से ट्राई कीजिए। आई होप कि मेरा ये जो वीडियो है हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा गाइज, ताकि नेक्स्ट वीडियो की मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।